मैन मोड़ा दयाल गाँव। तो यहाँ पर इस वक्त जी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जी कारपेट की एक साइड रोड की एक साइड पे कारपेट डालने का काम जारी है। ये गैप जी शुरू में जिस टाइम कारपेट की गई थी, ये गैप कुछ छोड़े गए थे जहाँ पर कारपेट अभी कर रहे हैं जी। चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे हैं जी अपना यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह पाक आप सबको अपने मेहरबान में रखें। वेलकम करता हूँ जी आपको अपने यूट्यूब चैनल में हाजिर हूँ रोड की इस नई वीडियो के साथ। शाहरा कश्मीर यानी कश्मीर रोड डडयाल तक कलर सेना जो रोड बन रही है इसकी अपडेट के साथ इस वक्त जी मौजूद हूँ मोड़ा दयाल में और यहाँ पर जी कारपेट का काम बेहतरीन जारी है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं जी रूलर अपना काम कर रहे हैं और ये सामने वाली साइड पर जी कारपेट बिछाती हुई मशीन जी आगे को जा रही है और आखिरी डंपर लगा हुआ जी तकरीबन। और मोड़ा दयाल का जो गैप छोड़ा गया था इसकी एक साइड पर अभी कारपेट का काम जारी है जी बेहतरीन। चेक करें जी अभी इस रूलर की जो टैंकी होती है पानी की टैंकी उसको जी भरा जा रहा है। और बड़ी गुड न्यूज़ है जी वाम के लिए, आगे पीछे रहने वाली वाम के लिए और आगे पीछे सफ़र करने वाली वाम के लिए जी, कि कारपेट का काम बेहतरीन हो गया जी और धूल मट्टी से आवाम की जान छूटेगी और जो है सफ़र भी आसान हो जाएगा जी इंशाल्लाह। ये गैप था जी बैंक चौक में भी एक साइड कारपेट की गई है जी और मोड़ा दयाल में भी एक साइड कारपेट का काम जारी है और दूसरी साइड इंशाल्लाह उम्मीद है जी कल तक कारपेट की जाएगी। अभी मशीन के पास चलते हैं और वहाँ से थोड़ी सी बहुत आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। ये चेक करें जी अभी मशीन का टैंक जो होता है इसके अंदर पानी की टैंकी लगी होती है उसको भरा जा रहा है और मैन मोड़ा दयाल जी गाँव और एक साइड पे कारपेट का काम बेहतरीन स्पीड से जारी और दूसरी साइड उम्मीद है जी कल तक कारपेट की जाएगी। अभी जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ यूज कह लें कि बिल्कुल आग के करीब से गुजर रहा हूँ, अच्छी खासी इसकी ईट है जी। और ये ड्रम जी ये इस्तेमाल होते हैं लुक स्प्रे करने के लिए शुरू में जी, जो लुक स्प्रे की जाती है कारपेट बिछाने से पहले उसमें जी इसमें लुक लाई जाती है गर्म करके उसको जी रोड के ऊपर पहले स्प्रे किया जाता है फिर जाके ऊपर जी ये मशीन कारपेट बिछाती हुई जी कारपेट बिछाती है। मोड़ा दयाल जी मैन मोड़ा दयाल और यहाँ पर गैप छोड़ा गया था कारपेट का तो अभी यहाँ पर कारपेट का काम जी बेहतरीन किस्म का जी जारी है। अभी थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल से जी आगे डैम्पर दूसरा लगाया जाएगा तो इसलिए थोड़ी देर काम के फ्लो है, थोड़ी देर पीछे रूलर जी टैंकी भरते हुए और चेक करें जी अभी एक डैम्पर खाली कर दिया गया, अभी दूसरा डैम्पर जी मशीन के साथ लगाया जाएगा। देखे जी पीछे से उस तरह से रिवर्स लाया जा रहा है, ये थोड़ा बहुत प्रोसेस मुश्किल होता है जी इनका मशीन के साथ डैम्पर लगाना और उसको खाली करना। स्टार्ट में जी लगाते टाइम थोड़ी बहुत मुश्किल होती है इनके लिए और फिर उतारते टाइम जी। चेक करें जी अभी मशीन का टैंक बिल्कुल खाली है इसलिए मशीन रोकी गई है लेकिन मशीन आगे कारपेट बिछाएगी। पीछे जी रूलर अभी अपना काम शुरू नहीं कर रहे, रूलर की जो पानी की टैंकी है वो खाली होगी थी तो वहाँ पे करीब पड़ोस में गढ़ों से जी पाइप लगा के तो वहाँ पर जी उसकी टैंकी भरी जा रही है। और बहुत बेहतर हो जाएगा जी, आवाम बड़ी परेशानी के आलम में थी ठीक और अभी आवाम की परेशानी इंशाल्लाह जी हल होगी। और अभी बेहतरीन जी निगरानी में सुपरवाइजर की निगरानी में काम जारी है। चेक कर जी डैम्पर का जैक उठाया जा रहा है यहाँ से। मैन मोड़ा दयाल गाँव। तो यहाँ पर इस वक्त जी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जी कारपेट की एक साइड रोड की एक साइड पे कारपेट डालने का काम जारी है। ये गैप जी शुरू में जिस टाइम कारपेट की गई थी ये गैप कुछ छोड़े गए थे जहाँ पर कारपेट अभी कर रहे हैं जी। चेक करें डैम्पर को उठा रहे हैं जी आहिस्ता जग उठा के, अभी ये जो कारपेट बिछाने वाली मशीन है ये साथ साथ पुश करेगी डैम्पर को जी। चेक करें जी दोबारा बेहतरीन काम शुरू हो चुका है जी। सुपरवाइजर वगैरह अस्पताल का जो टेम्परेचर वगैरह साथ चेक करते हुए लेवल वगैरह और सारा बेहतरीन मॉनिटरिंग के साथ काम जारी है जी, इसलिए यहाँ पर इस ठेकेदार का काम जी बहुत बेहतर हो रहा है जी दूसरे ठेकेदार की नस्बत से जी।
पीछे मैंने आप लोगों को दिखाया है पिछली वीडियो में, आप लोगों को देखा होगा कि मोड़ा सॉरी पंडोरा वाली साइड पर जी 450 से आगे उस तरह जो ठेकेदार काम कर रहे हैं जी, उसका काम बहुत नाकिस किया गया था। पहले भी उसको मैंने कई बार हाईलाइट किया था कई काम के अंदर नाकिस किया गया, तो अभी वो जहाँ पर नाकिस काम किया गया था वहाँ पर उखाड़ के जी दोबारा कारपेट की जा रही है जी, और इस साइड पर जी बेहतरीन काम जारी है। अभी जो गैप रह गए उन पर कारपेट करने का काम जारी, मोड़ा दयाल में जी एक साइड रोड की अभी कारपेट कर रहे हैं और दूसरी साइड भी इंशाल्लाह जी जल्द ही कारपेट की जाएगी, उम्मीद है जी कल तक दोबारा बाजी है। खत्म हो गया यही पूरा अद्धा यार अद्धा बेहतरीन जी। अभी काफ़ी टाइम से रूलर जी पीछे रोलर की टैंकी जी भर रहे हैं जी पीछे, और इससे थोड़ा सा टाइम लग गया। ट्रैफिक आप लोग देख सकते हैं जी, ट्रैफिक की बड़ी परेशानी है जी, रोड की एक साइड पे ट्रैफिक चल रही है आने जाने वाली। चेक कर सकते हैं आप जी, अभी रोलर अपना काम नहीं कर रहे, थोड़ी देर बाद रोलर भी अपना काम शुरू करेंगे और वो इसके बिछाने के बाद भी आधा पौना घंटा जो है वो इसके ऊपर रोलर चलाते रहते हैं जी। बेहतरीन जी, दोबारा जैक उठाया गया जी डैम्पर का और एस्फाल्ट अनलोड की जा रही है मशीन के अंदर। तो बेहतरीन जी, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाता आ रहा हूँ जी, मोड़ा दयाल में भी अभी इंशाल्लाह एक साइड तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी और दूसरी साइड इंशाल्लाह सुनने में आ रहा है एक कल तक जो पता किया मैंने, कल तक इंशाल्लाह जी दूसरी साइड भी कारपेट कर दी जाएगी। तो फिर जी यूँ कह लें कि शकरनाल यानी वादी होटल से आगे निकले वहाँ से लेकर चौहालसा तक रोड की मुकम्मल दोनों साइडें कारपेट बेहतरीन हो जाएंगी जी। अवाम को चाहिए थोड़ा बहुत बर्दाश्त किया करें, और बड़ी रश अवाम ड्राइविंग करती है, कुछ अवाम जी कारपेट के ऊपर ही फौरन ही गाड़ी के लेके आती है। मैंने वीडियोस नहीं बनाई, मैंने किसी को जी यूँ जो है वो नहीं करना चाहिए, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। लेकिन अवाम जी बड़ी जल्दी में होती है, कुछ अवाम बर्दाश्त नहीं करती। मैंने पहले बताया रोड की एक साइड पर कारपेट होगी तो दूसरी साइड पर ट्रैफिक चलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आने जाने वाली साइड के ट्रैफिक के लिए दोनों एक ही साइड इस्तेमाल करती हैं, तो वो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो अभी जी इस रोलर की टैंकी भरी गई है जी, और अभी दोबारा से जिसके टैंकी में पानी फुल किया गया और अभी दोबारा ये कूलिंग का काम करते हुए जी यहाँ से जा रही है, और ईट इतनी ज़्यादा है कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते ईट का, क्या कर सकते हैं आप। अच्छी खासी जी ईट है यहाँ पर एस्फाल्ट की भी, और वैसे भी गर्मी अच्छी खासी हो चुकी है। अभी सामने वाले साइड पे थोड़ी बहुत मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, सामने वाले साइड से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जी अभी मोड़ा दयाल और जे एंड सन्स डेयरी फार्म के करीब जी यहाँ पर अभी कारपेट का काम जारी है जी। ये हमारे दोस्त है जी यशरफ शहजाद, इनका डेयरी फार्म है जी जे एंड सन्स, जहांगीर एंड सन्स इनके लेट फादर के नाम पर जिन्होंने ये डेयरी फार्म बनाया हुआ है, और बेहतरीन जी बेहतरीन सर्विसेज और बेहतरीन प्रोडक्ट दे रहे हैं जी कैटल फार्मिंग और खुद भी जी जो है वो वेटनरी का जी जो है वेटनरी मेडिसन का जी और कोर्स वगैरह कर रहे हैं। और आप लोगों ने पहले कहीं मेरी वीडियोस में कुछ देखा होगा जी, उनको हम लोग तकरीबन जी गैप ख़त्म हो रहा है, कम्प्लीट हो रहा है जी जितना गैप था जी मोड़ा दयाल का, और बेहतरीन काम जारी जी बेहतरीन काम। तो अभी जी वापस चलते हैं, बाइक मेरा दूसरी साइड पे खड़ा है तो उस तरफ से भी आप लोगों को दिखा रही है जी। तकरीबन ये स्टेप कंप्लीट करेंगे जी, गैप जो है ये मोड़ा दयाल का जो गैप छोड़ा गया था तकरीबन आज ही एक साइड इसकी मुकम्मल हो जाएगी कारपेट। अभी ट्रैफिक भी अच्छी खासी हो गई जी एकदम से, तो अभी वापस चलते हैं जी उस तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं जी। तो ये चेक कर लीजिए, अभी रूलर अपना काम कर रहे हैं जी, प्रेस वगैरह कर रहे हैं साथ साथ। कूलिंग का काम जी मुकम्मल होने के बाद ये रूलर अपना काम करते हैं जी। अभी ये कह लें कि तकरीबन घंटा दो घंटे ये अपना काम यहाँ पर करते रहेंगे, यहाँ पर रोड को प्रेस करते रहेंगे, और ट्रैफिक आप लोग मेरे साथ से देख सकते हैं जी यहाँ पर
ट्रैफिक के मसाइल होते हैं जी, एक साइड पे भी दोनों आने जाने के लिए ट्रैफिक चलेगी तो थोड़ा बहुत मुश्किल तो होगा। एक चेक करें जी पीछे ट्रैफिक, चलिए ट्रैफिक जैम जी, जहाँ पर कार भी डाल रहे हैं जी वहाँ पर ट्रैफिक जैम अच्छा खासा लग जाता है, और पीछे भी इस तरफ भी गाड़ियाँ कुछ खड़ी हैं जी आगे। तो ये अपडेट थे जी मोड़ा दयाल में, और मोड़ा दयाल में भी एक साइड रोड की कारपेट का काम शुरू हो चुका है और बेहतरीन काम जारी है जी। अभी भी ट्रैफिक जैम लगा हुआ है जी, पीछे अभी थोड़ा बहुत इसी हुआ है, हमने थोड़ा सब्र किया है तो फिर भी ये मैनेज करवा रहे हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत को ऑपरेट करना चाहिए वहाँ को भी जी, अवाम की सहूलत हो रही है। हर वीडियो अभी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और ये यहाँ से पीछे आप लोग देख सकते हैं, मैंने वीडियो के शुरू में भी आप लोगों को दिखाया था जी, यहाँ से कारपेट का काम शुरू किया गया जी, ये यहाँ से। तो अभी वीडियो करते हैं एंड जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में जी अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाकर फॉलो कर लें। तो इंशाल्लाह जी आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।